जी अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद, देख दो फिर गुड मॉर्निंग। हम जी ज़ियारत में हैं और विज़िट करने जा रहे हैं हम रेजिडेंसी। तो पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि हम इस्लामाबाद से ज़ियारत पहुँचे। गाइड हैं, व्हाट इज़ रेजिडेंसी? तो अभी हम जा रहे हैं जी गाइड रेजिडेंसी विज़िट करने हैं। तो ओ भाई मैं जरा व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, चुप कर जाओ थोड़ा सा। तो जी आपको लेके चलते हैं कायद रेजिडेंसी, विजिट कराते हैं और ज़ियारत जो है फेमस फॉर कायद आज़म रेजिडेंसी। आखिरी दिन कायद आज़म ने अपने उसी रेजिडेंसी में गुजारे थे, तो आइए हम आपको विजिट कराते हैं। ज़ियारत बलूचिस्तान का एक कदीमी शहर है और इसका पुराना नाम जो है वो गौसकी है, जो कि पश्तों में एक पौधे का नाम है। और ये इलाका एक मशहूर इस्लामी स्कॉलर मुल्ला ताहिर की वजह से बहुत मशहूर था, तो लोग उनकी विज़िट के लिए आते थे और दैट्स वाई इस शहर का नाम ज़ियारत पड़ गया है। मगर हम जानते हैं ज़ियारत को कायद आज़म रेजिडेंसी की वजह से, क्योंकि कायद आज़म ने अपने आखिरी अयाम जो थे वो इस रेजिडेंसी में गुजारे थे, तो हम इसके विज़िट करते हैं और मज़ीद ज़ियारत की डिटेल और हिस्ट्री और मज़ीद जो बातें हैं वो हम आपको अगली व्लॉग्स में जो कि ज़ियारत से रिलेटेड होंगे उसमें बताएँगे। हेलो, कैसी फीलिंग है सना भाई? अजीब सी, कभी खुशी कभी गम वाली फीलिंग। यस, कभी खुशी कभी गम, व्हाट अ प्लेस। अल्लाह का बिल्कुल कायद आज़म रेजिडेंसी सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल गार्डन्स। और ये स्टैचू जो है ये अभी अभी लगा है, इसका पिछले दिनों मैं न्यूज़ में देख रहा था। तो गाइस ज़ियारत की जो है ना हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है और मोस्टली लोगों को ज़्यादा आइडिया नहीं होता। तो हमारे जो व्लॉग्स होते हैं जी क्लिक्स, उसकी सबसे बड़ी जो मेन वो ये है कि हम आपको असल रियलिटी और हिस्ट्री के साथ हम आपको बताएं। तो सना भाई जो है हमें ज़ियारत की हिस्ट्री के बारे में कुछ बताएंगे। हाँ जी, इंग्लिश में लिखी हुई है हिस्ट्री ऑफ ज़ियारत रेजिडेंसी बिल्डिंग इन 1883 गौसकी वॉज सेलेक्टेड। ज़ियारत का पुराना नाम वॉज गौसकी। तो जी 1883 में ये जगह सेलेक्ट की गई सेहत अफजा मकाम के तौर पे और 1891 में इमारत कंप्लीट हुई और इस शहर ने 38,010 रुपीस जनरेट किए एक साल में। और बरसगीर के तमाम इलाकों से लोग जो हैं इस सेहत अज़ा मकाम पे आते थे। तो आइए इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये टेबल चेयर जो हैं ये ओरिजिनल हैं, इंसिडेंट में बच गए थे। कुछ चीज़ जो सामान जो था, चूँकि ऑन एंड ऑफ रेस्टोरेशन इसकी चल रही होती है, तो कुछ सामान इन्होंने स्टोर किया हुआ था जो कि जलने से बच गया था, उनमें से ये चेयर और टेबल सेट भी है। बलूचिस्तान को पाकिस्तान से इलाक के फैसले पर कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह नवाब मोहम्मद ख़ान जोगेज़ई का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मेहमानों का कमरा जी, ये जी कायद आज़म के असिस्टेंट का ऑफिस। छत भी आप देखें वुडन है, खूबसूरत जो है इस पर काम है। विंडोज़ आप देखें, और इस वक्त कोई पंखा नहीं लगा हुआ और ये जून का महीना है और इतना मज़े का मौसम है। ये है जी वॉशरूम और ये क्लासिक उसी टाइम के जो हैं कॉपर के नलके। और टाइल वर्क का चेक करें। और ये जी उस जमाने का जो आपने इट इज स्टिल ऑपरेशनल। यस, ड्रेसिंग एंड वॉशिंग, ये वॉश बेसन है जी, और आप
नलके से उस लोटे से पानी आपको दिया जाता था। और ये अच्छा भाई सारा भाई दी ग्रेट जी जा भाई ज़ियारत आप आ गए फाइनली फाइनली तो आपकी क्या विचार है? कभी कभी थोड़ी थोड़ी देर बाद ख्याल आता है कि मैं खाब तो नहीं मैं सो तो नहीं रहा लेकिन मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी छे ऐसे क्लीन साउंडली मजे का मौसम हेवन ब्लास्ट यस इतने मज़े का मौसम है मज़े की हवाएं चल रही हैं ये साइड व्यू है जी ये कायद का ज़ाती इस्तेमाल का कम خلق دي منا ذا كل كل شو خص ما تقول موسم زيرو لستن راس واو في ليه انا صار بتاع هذا एक्सक्लूसिव तस्वीर हैं जी और ये फोटो गैलरी बाद में बनाई गई थी एक्सक्लूसिव फुटेजेस ऑन Z-Clicks कायद आज़म का चुगा उनका वकालत का कोर्ट मोहतरमा फातिमा जिना दुआ करी हैं कायद आज़म की फौतगी के बाद ये उनके जनाजे के मनाजिर ये ख़बरें कायद आज़म के और रेजिडेंसी के इस्तेमाल की अशिया कायद आज़म का पासपोर्ट वो लेटर जो उन्होंने मुस्लिम लीग को दिया कि आई वांट टू बी पार्ट ऑफ मुस्लिम लीग What a handsome guy Kaid Wozni Or this is the back view of the residence I hope aapne ye vlog enjoy kiya hoga jis tarah maine is residency ka chappa chappa enjoy kiya because yahan pe hamare Kaid Azam ne apni waqt guzara to mere liye honor hai ki main teesri chauthi dafa yahan pe ja raha hu और इस मरतबा मैं आपसे ये शेयर भी कर रहा हूँ और इन यादों के साथ और कायद आज़म जैसी शख्सियत जो कि दुनिया का नक्शा बदल देते हैं बहुत कम आते हैं तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए अल्लाह ताला हमें उनके उसूलों पे उनके जो नज़रियात हैं उस पर अमल करने की तौफीक दे और पाकिस्तान को दुनिया की ताकतवर और बेहतरीन मुल्क बनाए आमीन